नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग। अभी मैं मौजूद हूं पानीपत के प्राचीन श्री देवी मंदिर के अंदर और मैं अभी पूरा नज़ारा दिखाऊंगा कि क्या हालात है लॉकडाउन के अंदर, मंदिर का जो समय है कब से कब तक खुलता है और जो मंदिर अब कैसा दिख रहा है लॉकडाउन के बाद, जो पूरा नज़ारा है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अब मैं आपको माता के जो मंदिर है उसके अंदर लेके चलता हूँ और पूरा नज़ारा दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है अब लॉकडाउन के बाद पूरा। ये जो हमारा प्राचीन श्री देवी मंदिर है, आप सब जानते ही होंगे कि जो पानीपत का, अगर आप पानीपत से हैं तो आप जानते ही होंगे कि जो प्राचीन देवी मंदिर है उसका महत्व क्या है। तो अब मेरे साथ आप चल रहे हैं अंदर और मैं पूरा अंदर का जो ये पूरा भव्य नज़ारा है आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पवन शुक्ला ब्लॉग्स। तो दोस्तों, जैसे ही आप प्राचीन श्री देवी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसके मुख्य द्वार पर आप देख रहे हैं जैसे थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, टेम्परेचर जो लोगों का चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर अगर आपका सही आता है तब जाकर आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना होगा। तो मैं भी अपना जो टेम्परेचर है चेक करवाऊंगा, उसके बाद मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करूंगा। तो अंकल जी, मेरा टेम्परेचर सही है अभी? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा टेम्परेचर सही है, उसके बाद ही जो अनुमति यहाँ पर मिलती है मुख्य द्वार पर, उसके बाद आप जो श्री देव मंदिर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो चलिए मैं सीधा अंदर लेके चलता हूँ और ये पूरा नज़ारा दिखाऊंगा आपको कि कैसा दिख रहा है लॉकडाउन के बाद ये पूरा श्री देव मंदिर। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं मुख्य द्वार पर ही जो आप आएंगे तो यहाँ पर ये जो सैनिटाइजर की मशीन है, जो मैं कहूँ तो इसमें आपको जो आपका हाथ है उसे पूरी अच्छी तरह से वॉश करना है और उसके बाद कहीं ना कहीं आप अंदर जाएंगे। तो ये अपने लिए भी और जो लोग भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं माता का, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा जो ये प्राचीन श्री देव मंदिर की जो संस्था है अग्रवाल वैश्य पंचायत में कहूँ तो उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो मुख्य द्वार पर ये जो मैं कहूँ तो हैंड वॉश का जो ये मशीन लगाया गया है ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और ये बहुत ही अच्छा जो कार्य है ये देव मंदिर की जो ये संस्था है उनके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर जो भी भक्तगण है मंदिर में माता का दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले अपने हाथों को जो अच्छी तरह से वॉश करते हैं, उसके बाद ही कहीं ना कहीं मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ये जो मंदिर प्रशासन है उनके द्वारा ये अच्छा कार्य किया गया है क्योंकि इससे जो अपनी सुरक्षा भी होती है और साथ साथ जो मंदिर परिसर है उसकी भी साफ और सुरक्षा बनाए में मदद मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मैं प्राचीन श्री देव मंदिर है उसके अंदर प्रवेश कर चुका हूं, आपने देखा ही होगा यहां पर जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी तरह से की गई है और साफ सफाई आप देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी जो साफ सफाई है पूरी देव मंदिर के अंदर आप देख रहे होंगे। और आपने देखा ही होगा जो मुख्य द्वार पर है तमाम ऐसी सुविधाएं की गई हैं जिससे कोई भी ऐसा संदिग्ध है और ऐसा कोई भी, आप जैसा जानते हैं कोरोना का समय है तो कहीं ना कहीं जो भक्तों के मैं कहूँ तो पहले जैसे जितनी तादाद में भक्त अंदर आते थे मंदिर में माता का दर्शन करने वो संख्या कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है। और मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो मंदिर है, अगर मैं इस समय की बात करूँ तो कोरोना का जब समय नहीं था तो यहाँ पर मैं कहूँ तो एक भीड़ दिखती थी लेकिन अब वो भीड़ कहीं ना कहीं गायब दिख रही है। तो आप पूरा ये नज़ारा मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि कैसा जो अब का ये जो पूरा व्यू है तो आप देख लीजिए। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कोरोना का समय है, उसके बावजूद भी जो मंदिर में कुछ गिने चुने लोग हैं उन्हें प्रवेश की जो अनुमति है। और अभी आप देख पा रहे हैं कि जो शिव जी हैं महाकाल का जो अद्भुत यहां पर श्रृंगार किया जा रहा है तो मैं आपको पूरी तरह से दिखाऊं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है शिव जी का मैं कहूँ तो बहुत ही सुंदर अद्भुत एक जो श्रृंगार किया जा रहा है यहाँ जो भक्तगण है उनके द्वारा। और इसमें जो सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है तो आप देख पा रहे हैं कि जो भक्तगण हैं जो शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं कहीं ना कहीं सुरक्षा का पूरा उन्होंने जो है मैं कहूँ तो पूरा उपाय बनाया हुआ है और मास्क का जो प्रयोग है वो उन्होंने किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, जो भगवान की भक्ति के साथ सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो ये पूरा नज़ारा, आइए मैं दिखाता हूँ और क्या क्या यहाँ पर जो पूरी तरह से ये जो पूरा नज़ारा है कैसा दिख रहा है अब। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार जो महाकाल है शिव शंभू है उनका भव्य जो श्रृंगार किया जा रहा है और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो ये पूरा मंदिर प्रशासन है बहुत ही अच्छे प्रकार से अपना जो कार्य कर रहा है और इसमें जो साफ सफाई की व्यवस्था है जो पूरी सुरक्षा के साथ काम किया जा रहा है, जो भक्तगण है सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर जो पूरा जो मैं कहूँ तो अपना दूरी बनाए रखे हुए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो मैं कहूँ तो मंदिर की सुरक्षा में काफ़ी जो मैं कहूँ सहूलता है। और इसके साथ ही मैं अभी सभी जो हमारे भगवान हैं उन सभी का आपको दर्शन भी कराऊंगा। तो बने रहिए, देखते रहिए पवन शुक्ला ब्लॉग्स।
तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अभी मैं जो मंदिर के कपाट में प्रवेश कर चुका हूँ। ये जो कपाट है यहीं से जो माता का दर्शन हम सबको मिलता है, जो देवी माता है कहीं ना कहीं, देखिए मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे इसी कपाट के अंदर है। और ये देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये घंटी है, इसे जो एक मैं से बांध दिया गया है क्योंकि इसे छूने से कहीं ना कहीं जो है कई लोगों के हाथ लगते हैं तो इससे बीमारी होने का भी खतरा होता है। और ये पूरा नज़ारा आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो लोगों को कह भी रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, तो ये अच्छी बात है जो लगातार लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही है। तो मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं जो माता का मंदिर है वो किस तरह से बंद है, अभी फिलहाल बंद किया गया है, और दिनों के बाद की जाए तो तब हम इसके अंदर जाकर माता का दर्शन ले सकते थे, प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अभी कोरोना का समय है तो इसके लिए जो कपाट है यहाँ ये जो गेट है इस पर ताला लगा दिया गया है। तो चलिए और चीज़ें दिखाता हूँ आपको कि कैसा दिख रहा है ये प्राचीन श्रीदेवी मंदिर। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर हूँ और ये देखिए पूरा खाली है। यहाँ पर मैं कहूँ तो गिने चुने जो भक्तगण हैं वहीं दिख पा रहे होंगे आपको, और आगे लेके चलता हूँ दिखाऊंगा कि क्या कुछ और चल रहा है यहाँ पर पूरे मंदिर में। और ये देखिए जो ये मंदिर का मैं कहूँ तो एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पर जो जब मंदिर में कोई ऐसा भव्य प्रोग्राम किया जाता है तो भक्तगण यहाँ पर आकर मैं कहूँ तो विश्राम भी करते हैं या बैठते हैं। तो चलिए और भी मैं जो ये दिखाऊंगा, पीछे ये देखिए आप सुंदर तरीके से ये जो पूरा पार्क है बना हुआ है। आम दिनों में ये ऐसा नहीं दिखता था लेकिन लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं लोगों का प्रवेश जब निषेध हो गया तो ये जो आप देख रहे हैं पेड़ पौधे भी फल फूल गए हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में आकर जो इन पेड़ पौधों को नोचते हैं, पत्ते तोड़ देते हैं और ऐसे मतलब गलत करते हैं, मंदिर को हानि भी पहुँचाते हैं। तो आप सब देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये पूरा नज़ारा, और ये देखिए कितने सुंदर ये पेड़ पौधे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं अलग अलग प्रकार के। मैं कहूँ तो ये देखिए पूरा भव्य नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है ये पूरा सब। और जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर जो भक्तों के लिए मैं कहूँ तो पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई है, ये मैं कहूँ तो अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो ये मंदिर प्रशासन है बहुत ही अच्छा कार्य भी कर रही है। दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्राचीन श्रीदेवी मंदिर जो मैंने दिखाया लॉकडाउन में कैसा दिखता है? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट शेयर कर देना, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।